सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के छपकाही गांव में पानी से लबालब भरे एक गड्ढे में डूबने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया गया कि बैरो के झकराही निवासी 3 वर्षीय मासूम अपनी मां के साथ ननिहाल छपकाही गांव आया था। घर में सब सदस्य अपने काम में लगे हुए थे, इसी बीच बच्चा खेलते खेलते गहरे गड्ढे में चढ़ गया। चूंकि गड्ढे में पानी भरा था, जब तक लोगों को मालूम हुआ बच्चा पानी में डूब गया था। पानी से बाहर बच्चा को निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरेश कुमार की रिपोर्ट। दरवाजे के बगल में थोड़ा सा पानी गाढ़ा था और कुआं है और नल का भी पानी है वहाँ और थोड़ा सा गड्ढा भी है। उसी पानी में संजोग से कुछ देखा नहीं और बच्चा कैसे गिरा उसमें ये पता नहीं चला लोगों को। जब तक ये इसी मतलब ये मुझे थोड़ा सा हाथ था और जब तक यहाँ हॉस्पिटल लाने के क्रम में वो हॉस्पिटल में आते आते उदम तोड़ दिया। यही घटना। बच्चे का क्या नाम है? कुमार है और उसके पिता का नाम है विकास कुमार और इनका छपकाही में ननियाल है और ये बेरो झकराही में इनका जो है। घटना कहाँ हुआ? एक छपकाही में हुआ, इनके नाना के यहाँ, राजेंद्र पासवान उनके नाना है। आपका नाम? राम सागर पासवान। अभी कहाँ लाए हैं इनको? हॉस्पिटल लाए हैं। ये जानकारी सब लोगों पदाधिकारी को हुआ और शायद पोस्टमार्टम होगा इनका, इसीलिए पोस्टमार्टम इसलिए लाए मुआवजा मिले। जी जी जी, मिलना ही चाहिए क्योंकि जो प्रावधान होगा उस अनुसार तो मिलना ही चाहिए। ये ग्राम पंचायत पिपरा खुर्द के अंतर्गत छपकाही गांव पड़ता है, वहाँ इस बच्चा का ननिहाल है। ये अपने माता जी के साथ ननिहाल में रह रहा था और अचानक सुबह लगभग 7:30 बजे ये माता जी घरेलू काम कर रही थी और बच्चे पीछे, घर के पीछे पानी का बहाव था, वहीं पर बच्चा खेलते धूपते उस पानी में डूब गया। जब तक पता चला घर के लोगों को तब तक देखता है कि जब बच्चे को निकालता है पानी से तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बच्चे का कितना उम्र है? लगभग 3 साल उम्र है। क्या नाम है उनका? बच्चे का नाम आकाश कुमार है। उसके पिताजी का नाम? विकास कुमार। ये रहने वाले बेरो के हैं। घटना कहाँ हुई? घटना छपकाही में हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा। घर? घर मेरा चकडुमरिया है। हम बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी। डूबने से मौत हुई है सर, आपके पास लाया गया था, क्या स्थिति था उनका? वो तो उसका सांस नहीं चल रहा था, हार्ट साउंड एब्सेंट था, बिपलरी रिफ्लेक्स एब्सेंट था, कोई भी रिफ्लेक्स बॉडी का ऐसा नहीं था कि जिससे कि उसको हम जीवित कर सकें। सर अपना परिचय? डॉक्टर सरवन सदर अस्पताल मेडिकल ऑफिसर।